नितिन गडकरी के दौरे को लेकर साव ने कहा, इंडियन रोड कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है। 8 से 11 तक अधिवेशन चलेगा। कुछ विदेश से भी प्रतिनिधि आएंगे। इंडियन रोड कांग्रेस का शुभारंभ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी करेंगे। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। जो प्रतिनिधि आएंगे उन्हें छत्तीसगढ़ की झलक देखने को मिलेगी। आसपास के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा हम उन्हें करवाएंगे। इंडियन रोड कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है। 8 से 11 ये अधिवेशन चलेगा। देश भर से और कुछ विदेशों के भी प्रतिनिधि आएंगे। लगभग 3000 प्रतिनिधि इस दौरान आएंगे। अलग अलग टेक्निकल सेशन होंगे। इंडियन रोड कांग्रेस का शुभारंभ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के हाथों होना है। जो प्रतिनिधि आएंगे उन्हें छत्तीसगढ़ की झलक भी देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधन, इसकी झलक उन्हें दिखाने की तैयारी हमने की है। जो प्रतिनिधि आएंगे उन्हें आसपास के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के यात्रा कराने की भी तैयारी हमने की है। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से देश भर के लोग छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और छत्तीसगढ़ की ताकत को जानेंगे और इसका बड़ा लाभ आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मिलेगा। राज्योत्सव को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि यह 24वां राज्य उत्सव है। 3 दिवसीय राज्योत्सव आयोजन किया गया है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज इसका शुभारंभ करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और स्टॉल भी लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ का स्थापना का 24वां वर्षगांठ और इस अवसर पर 3 दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज राज्योत्सव का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी करेंगे। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राज्य के कलाकार और राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपना प्रदर्शन यहां पर करेंगे और मध्य प्रदेश से अलग होकर हम छत्तीसगढ़ राज्य बने थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का राज्योत्सव के शुभारंभ पर आना ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। तो आज बहुत उत्साहपूर्वक राज्योत्सव का शुभारंभ डॉक्टर मोहन यादव जी के हाथों से होगा। कल राजधानी में जो राज्योत्सव होगा उसके मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय होंगे। कल भी विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। साथ ही 5 तारीख यानी कल सभी जिलों में भी राज्योत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है और राज्योत्सव का समापन राज्य अलंकरण समारोह के साथ देश के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी के हाथों से होगा और इस दौरान लगातार अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम विशिष्ट कलाकारों के द्वारा होगा। राज्य की विकास की प्रदर्शनी वहां पर देखने को मिलेगी। तो निश्चित रूप से उत्सव का माहौल होगा। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने आरोप लगाया है कि विष्णु के सुशासन में भाजपा नेताओं पर चाकूबाजी हुई। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री साव ने कहा है कि पिछले 5 सालों में जो कानून व्यवस्था की दुर्दशा हुई थी उसका ही असर देखने को मिल रहा है। भूपेश बघेल जी को अधिकार नहीं है आरोप लगाने का। हमारी सरकार स्थिति को बेहतर करने में लगी हुई है। देखिए, जिस प्रकार से 5 सालों में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की दुर्दशा
जिस भूपेश बघेल जी के सरकार में हुआ है उस भूपेश बघेल जी को इस प्रकार के आरोप लगाने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारी सरकार घटनाओं पर ठोस और मजबूत कार्यवाहियां कर रही है। राजधानी में सेंट्रल जेल के बाहर अज्ञात युवकों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की। वहीं घायल युवक को मैकहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर साहिल खान नाम के युवक पर पुरानी रंजिश के चलते अज्ञात युवकों ने गोली चला दी थी। आरोपियों ने घटना को अंजाम देते हुए 2 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। गोली लगने के बाद साहिल खान को तत्काल मैकहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना गंज अंतर्गत मैकहारा के पास एक घटना घटित हुई है। इसमें शेख साहिल नाम का जो लड़का है 22 साल संतोषी नगर का रहने वाला, ये अपने भाई से मिलने गया था। उसका भाई NDPS के मामले में बंद है। कुछ दिन पहले ही शेख साहिल जो कि आहत है वो भी जेल से जमानत पे छूटा है। आज वो अपने भाई से मिलने गया था, जैसे बाहर निकला जिसमें 3 लोग का नाम बता रहा है, 3 लोग के इसमें नाम आ रहे हैं, एक का शाहरुख, दूसरे का सहनवाज और तीसरा अन्य। ये 3 मिलकर एक देसी कट्टा से उस पर फायरिंग किए हैं किसी पुरानी रंजिश को लेकर। इनके बीच कुछ पुराना विवाद था, इस पर वार किया है। आहत की हालत अभी स्थिर है, उसका इलाज कराया जा रहा है, इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आरोपी को बर्खास्त किया। 3 आरोपी हैं जिसमें से 2 आरोपी का अभी तक 307 के मामले में भी पहले जेल में रहे हैं। इस प्रकार की सूचना आ रही है कि शाहरुख और सहनवाज पुराने आदतन अपराधी हैं, इनकी पता तलाश की जा रही है, इनके सभी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं, जल्द से जल्द इनको पकड़ लिया जाए। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक ओर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की जनता इन दोनों पार्टियों के बीच खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों के ग्राफ को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं MCB कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बीच तीखी बयानबाजी से प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा गया है। छत्तीसगढ़ में 11 महीने की सरकार में कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कुछ जिलों में नहीं, पूरे प्रदेश में ही लाइन ऑर्डर खराब चल रहा है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और एक अपराध का सीरियल चल रहा है, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले बलौदा बाज़ार से चालू हुआ, फिर लोहारा डी कवर्धा गया, वहाँ से सूरजपुर आ गए, वहाँ से बलरामपुर चले गए, फिर अभी जामाखेड़ा में। मैंने छत्तीसगढ़ में अब धार्मिक स्थान, अब यहाँ के ऋषि मुनि जो शांति का संदेश देने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, इसको आप क्या बोलें। पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है और अपराधियों के पूरे हौसले बुलंद हैं। 72 घंटे में 9 हत्याएँ हो गई रायपुर में, क्या बोलेंगे। तो लाइन ऑर्डर तो पूरे प्रदेश का खराब है, सारा लाइन ऑर्डर कंट्रोल में है और प्रदेश में जो भी ऐसे अपराधी तत्व हैं उनको लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। और चूंकि घटनाएं घटित हो जाती हैं, कई संयोग भी होता है, कई ऐसी स्थिति परिस्थिति निर्मित होती है, परंतु आज देखिए प्रदेश में जितने भी जो अवैध कारोबार करने वाले हैं, जो कोल माफिया हैं, कबाड़ माफिया हैं, रेत माफिया हैं, खनन माफिया हैं, ऐसे चाहे वो सट्टा वाले माफिया हों, ऐसे तमाम जो अवैध कारोबार वाले जो माफिया हैं, ये दूर दूर तक छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार पूरी तरह से ऐसे तत्वों के खिलाफ शिकंजा कसी हुई है और जो भी अपराधी हैं वो अपराध करने से पहले छत्तीसगढ़ में उनको सोचना पड़ रहा है। कुछ घटनाएं ऐसे संयोग बस प्रदेश में 2-4 ऐसी घटनाएं कुछ हुई हैं, लेकिन कांग्रेस इस बात को प्रचारित कर रही है कि सरकार का कंट्रोल नहीं है। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि प्रदेश में कानून की व्यवस्था पूरे छत्तीसगढ़ में बेहतर है।
सरगुजा जिले में पुलिस और कानून व्यवस्था से अपराधियों का खौफ खत्म हो गया है। शहर के चांदनी चौक स्थित वार्ड क्रमांक 22 पार्षद के घर घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल अंबिकापुर शहर के चांदनी चौक स्थित कांग्रेस पार्षद सतीश बारी के पास कुछ युवक शराब के नशे में आते हैं और शराब दुकान में लड़ाई की बात कहकर साथ चलने और मारपीट करने की बात कहते हैं। इसी दौरान पार्षद के द्वारा मना किया जाता है। जनप्रतिनिधि के तौर पर मदद करने के लिए थाने में शिकायत के साथ चलने की बात कही जाती है, जिससे नाराज होकर युवक एक दर्जन से अधिक लोग पार्षद के घर नकाबपोश लोग पहुंचते हैं, जो कि लाठी डंडे तलवार से लैस होकर घर के दरवाजे खिड़की तोड़े जाते हैं। वहीं यह पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। कांग्रेस पार्षद के घर में एक बड़ी संख्या में उसमें से कुछ नकाबपोश भी थे और घर के अंदर घुस के और एक मजबूत लकड़ी के दरवाजा को तोड़ने का भी प्रयास किए और महिलाएं और परिवार के लोग थे। उस समय पार्षद शिकायत को लेकर के थाने में आए हुए थे और सतीश बारी के घर में जिस तरीके से लोग घुसे, ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि अब जनप्रतिनिधि और आम जनता इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। और आज इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने दोपहर में धरना भी किया था, पुलिस को जगाने का भी प्रयास किया, जिला प्रशासन को मैसेज देने का प्रयास किया, पुलिस प्रशासन को आगाह करने का प्रयास किया कि आप आम जनता के हित में काम करें और लोगों में पुलिस के प्रति ये भाव आए कि उन्हें गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में घटनाएँ हुई, लगातार घटना हो रही है, तो इनको देख करके मुझे लगता है कि कानून का खौफ नहीं है और ये सरकार जो है ये कहीं ना कहीं आम जनता को सुरक्षा देने में नाकाम है। वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद सतीश बारी जिनसे गणेश उर्फ गोलू ये इनके घर के आसपास आके इनसे अपने साथ चल के एक झगड़े में सुलह समझौता कराने और लड़ने के लिए बात कर इनसे मदद मांगने के लिए आया था, जिसमें इन्होंने मना किया और ये इनके साथ ही गाली गलौज करते हुए इनसे मारपीट और पैसे की मांग करने लगा, जिस पर से इन्होंने से वहाँ जाने के लिए कहा। बाद में ये अपने अन्य साथियों के साथ आके 30 से 35 लोगों के साथ आके इसने घर में मारपीट की है और घर में तोड़फोड़ और घर के गेट को भी तोड़ा है, और जिस पर कि वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और प्रथम सूचना पत्र दर्ज करके आरोपी के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जा रही है। प्रार्थी के द्वारा इसमें शीघ्रता जो पहचान करके 3 लोगों का नाम इसने नामजद रिपोर्ट कराई है, जिस पर से कि गणेश जिसको बता रहा है गणेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।